सो ये गाइस कैसे हम सब लोग आई होप के सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो आज की वीडियो के अंदर हम एक नया इफेक्ट देखने वाले हैं जिसके थ्रू आप जैसे हमारे पास में एक सामने क्लोथ है जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिंकल्स हैं, राइट। अब अगर इन रिंकल्स को हमें हटाना हो इस क्लोथ के ऊपर से, और अगर हम बोलें कि अगर हम इसे आयरन करना चाहें तो क्या हम फोटोशॉप में कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम फोटोशॉप के अंदर किसी भी क्लोथ को आयरन कर सकते हैं और बहुत ईजिली कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में जो इमेज है वो ये है और नीचे वाली लेयर हमारी जस्ट एक बैकग्राउंड लेयर है, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस इमेज का नाम दे दिया हमने रियल इमेज। इसकी मैं दो कॉपीज और बना लेता हूँ, कंट्रोल जे कंट्रोल जे, ठीक है। नीचे वाली को रियल इमेज ही छोड़ देते हैं और अब देखना है एक हमारे पास में एक नाम दे देंगे अपन ब्लर्ड इमेज और एक नाम दे देंगे अपन डिटेल्स इमेज। अब दोनों से क्या होने वाला है देखते हैं। पहले डिटेल वाली को कर दो बंद, नीचे वाले को सेलेक्ट करो और अगर आप ध्यान से देखें इस पर काफ़ी सारी डिटेलिंग है, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा इतना ब्लर जितना हमारे पास में जो डिटेलिंग है ये गायब हो जाए। गॉजियन ब्लर में जाना है, फिल्टर ब्लर गॉजियन ब्लर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है इतना ब्लर करना है जितने में आपकी जो डिटेल्स हैं वो गायब हो जाए, ठीक है। जो बिल्कुल सॉफ्ट डिटेल्स है, बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स है, बड़ी डिटेल्स है लाइक ये वाली है या फिर ये वाली हो गई, ठीक है। ये बड़ी डिटेल्स हैं इनको एज इट इज छोड़ देना, जो छोटी डिटेल्स हैं उन्हें गायब कर देना। उसके बाद क्लिक ओके, तो आपके पास में एक ऐसी ब्लर्ड इमेज रेडी हो गई, ठीक है। जब ब्लर्ड इमेज आपकी रेडी हो गई देन ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है रास्टराइज, राइट। याद रखना ऊपर वाली लेयर को कर देना है रास्टराइज, ठीक है। और इसको भी मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले बना लेता हूँ और इसकी कर लेंगे कॉपी, ठीक है। और ये जस्ट इसका नाम दे देते हैं बैकअप इफ इन केस अपने को जरूरत हो तो, इसको नहीं तो करते बंद। और इसको भी कर लेंगे रास्टराइज, दोनों को रास्टराइज कर लेना है, ब्लर वाली को भी डिटेल वाली को भी। अब जाना है डिटेल वाली में, फिर जाना है आपको सीधा इमेज में। यहाँ पर आता है आपके पास में अप्लाई इमेज। जैसे ही आप अप्लाई इमेज के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसा इफेक्ट बन जाएगा ना। अप्लाई इमेज का क्या मतलब है, अब हम हमारे पास में हमें पता है कि हमने क्या किया है, इस ब्लर्ड वाली इमेज में से क्या गायब कर दी है, माइन्यूट डिटेल्स, जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स है वो सारी गायब कर दी, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारी जो डिटेल वाली लेयर है हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ जो बिल्कुल माइनर डिटेल्स है वो रह जाएँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाएँ। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अब चलते लेयर लेयर कौन सी अपन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज ब्लर्ड कॉपी, राइट। तो ब्लर्ड कॉपी वाली को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पीछे इफेक्ट चेंज हो गया, मल्टीप्लाई की जगह अब अपन इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, ब्लर्ड वाली के अंदर हमारे पास में एक कंटेंट है। अब लेट्स से ब्लर्ड वाली इमेज को अपन मान लेते हैं 10 और हमारे पास में टोटल, चलो एक टोटल नंबर मान लेते हैं 10, ठीक है। उसमें से ब्लर्ड वाली इमेज का नंबर है 5, बचा कितना 5। अभी अपन ने क्या करवा रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डिटेल्स वाली के अंदर हमारे पास में जो बचा हुआ 5 है वो इसमें आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को अपन ऐड करा देंगे तो अपने पास में वापस 10 बन जाएगा, और 10 क्या है, हमारी रियल इमेज, राइट, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करना है, आपको स्केल कर देना है 2, ऑफसेट कर देना है आपको 128 कर देना है। तो इससे आपके पास में एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएंगे कि आपके पास में जो बची हुई डिटेल्स है जो ब्लर्ड वाली इमेज में नहीं दिख रही है वो सारी डिटेल्स अब यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं जस्ट क्लिक ओके। अब अगर हम देखें हमारे पास में, मैं इन दोनों को जो है ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी। अब अगर आप देखें मैं अगर इसको बंद करूँ या चालू करूँ दोनों का इफेक्ट सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, राइट। तो इसको सेम करने के लिए डिटेल्स वाली को जस्ट एक इसका ब्लेंड मोड चेंज करके कर दीजिएगा लिनियर बर्ड, सॉरी लिनियर डॉज, लिनियर लाइट, ये जैसे ही आप लिनियर लाइट करते हैं आपके पास में एक सी। अब मैं इसको बंद करूं चालू करूं कुछ भी करूं कोई भी चेंजेस हो रहे हैं क्या, मैंने बंद किया छोड़ दिया कुछ चेंजेस हुआ नहीं। मैं बिल्कुल अगर आपको जूम करके भी दिखाना चाहूं तो यहां पर अगर आप देखें बिल्कुल हल्का सा भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या किया, हमारे पास में टोटल नंबर है 10, दैट इज रियल इमेज। ब्लर्ड वाली में हमने छोड़ दिया 5, बाकी का 5 हमारी डिटेल्स वाली में, राइट। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये तरीका है आपका दोनों लेयर्स को अलग करने का। ठीक है भाई, अब इनका क्या इससे क्या फायदा, इससे ये हमारे पास में जो आयरन तो नहीं हुआ, इसके रिंकल्स तो नहीं गए। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे डिटेल वाली को कर लेते हैं बंद, नीचे ब्लर कॉपी को कर लेते हैं सेलेक्ट, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अब जाएंगे ब्लर जो ब्रश के अंदर हमारे पास में आता है एक मिक्सर ब्रश टूल। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा ब्रश मिल जाएगा, जिससे मिक्सर ब्रश टूल का काम बेसिकली होता है किसी भी दो कलर्स को या दो एलिमेंट्स को मिक्स कर देना, राइट। जब आप इसको ब्रश करते हो तो कितने भी आसपास में कलर्स हैं सब मिक्स होने लगते हैं, ठीक है। अब इसमें कलर अपने को बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना, तो इसको कर देते हैं एम्प्टी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। वेट आपको देख लेना है कितना परसेंट, अपन एक बहुत हल्का सा वेट रखेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अपन बाद में, अगर जिस हिसाब से ज़रूरत होगी अपन उस हिसाब से इसको करेंगे। अब अगर आप देखें, मैं यहाँ पर अगर हल्का सा भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे हल्का हल्का ब्लर होना शुरू हो चुका है। तो अब बस आपको करना यही है, जहाँ पर आपको रिंकल ज़्यादा लगे वहाँ पर आपको हल्का हल्का जो है इसको जो है डाल देना है, ठीक है। अच्छा, और इसको हार्डनेस 0 कर देना, सो दैट हार्श एजेस ना बने आपके पास, ठीक है। आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, और ऐसा नहीं करना लाइक हमारे पास में वेव इस टाइप में है और आप इसको ऐसे डाल रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब वेव अगर ऐसी है तो आपको इसको भी इसी टाइप से डालना है, सो दैट आपकी जो टेक्सचर है वो भी ख़राब ना हो और आपके पास का जो इफेक्ट आप चाह रहे हो वो इफेक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। इससे आपका अगर आप धीरे धीरे भी करेंगे तो ये हल्का हल्का मिक्स होना चालू हो जाएगा। अब अगर मैं बिफोर आफ्टर दिखाऊं जो अभी अपन ने किया है, ठीक है, इसको मैंने चालू किया, अब ये था बिफोर, ये है आफ्टर, यहाँ पे देखिए क्लीन हो गया है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इसके ऊपर ब्लर डालेंगे तो आपके पास में और ज़्यादा ये क्लीन होता है, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा सा फेर देते हैं, ठीक है। अब ये ब्रश आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पर लग रहा है कि कहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है, तो जहाँ पर भी ज़्यादा ज़रूरत लगे वहाँ पर आप जो है इस ब्रश को हल्का सा जो लगा सकते हो, सो आपके पास में कुछ इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। पर ऐसा भी नहीं करना है कि डिटेल हमारी यहाँ पर है और हमने यहाँ पर उठा के यहाँ डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इससे क्या होगी, डिटेलिंग जो है हमारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और साफ पता लगने लग जाएगा कि इसको एडिट किया गया है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको ऑन करूं, सो हमारे पास में कुछ इस टाइप का इफेक्ट देखने को मिल गया है। अब बिफोर आफ्टर देखे तो हमारे पास में काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल गया। ये बिफोर है जिसके अंदर काफी सारे रिंकल्स है और अब हमारे पास में काफी अच्छा एक थोड़ा स्मूथ सरफेस देखने को मिल चुका है, राइट। सो अभी अपन ने बहुत कम किया है, ये आपके ऊपर है, अब आप कितना और ज्यादा करना चाह रहे हो, जितना आप करना चाहो आप कर सकते हो, राइट। जितना आप ज़्यादा इस पे करोगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर जो है आप इसको और ज़्यादा इफेक्ट को अच्छा कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।